हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस नॉलेज। अफगानिस्तान से कुछ दिनों पहले आती हुई न्यूज जो है कि अफगानिस्तान ने अपनी एक मिलिट्री यूनिट का नाम रख दिया है पानीपत। जर्नलिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि जो तापी गैस पाइपलाइन है जो शुरू होती है तुर्कमेनिस्तान से और अफगानिस्तान से होते हुए आती है भारत में, उसे बचाने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है इस मिलिट्री यूनिट को। भारत के लोगों के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो ये नाम एकदम फिट नहीं बैठता है, क्योंकि पानीपत की जंग जिसमें मराठा एम्पायर की जंग हुई थी अहमद शाह अब्दाली से, उसमें मराठाओं को बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। 100,000 से भी ज़्यादा सैनिकों की मौत हो गई थी और औरतों और बच्चों को बंदी बनाकर वापस अफगानिस्तान ले जाया गया था। भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा डार्केस्ट दिन रह चुका है। अहमद शाह के बहुत ही इज्जत है अफगानिस्तान में और उन्हें आप ऑलमोस्ट फादर ऑफ द नेशन भी कह सकते हैं, मगर अफगानिस्तान में ना कोई पानीपत नाम का रूलर था ना कोई पानीपत नाम की जगह है। जिसके बाद देखकर तो यही मालूम पड़ता है कि तालिबान ने जानबूझ के इस यूनिट का नाम पानीपत रखा है, ताकि ये इंडिया के लिए एक तरह का मौका हो जाए कि देखिए आपके इतिहास का सबसे बड़े हार के ऊपर हमने अपने मिलिट्री की एक यूनिट का नाम रखा है, इसका मतलब हम कितने पावरफुल है, या फिर उस तरह के कोई भी एंगल का घुसाने की इसमें की जा रही है कोशिश। हालांकि अभी हाल फिलहाल में इंडिया और अफगानिस्तान के बीच तो रिश्ते उल्टा और अच्छे ही हुए हैं। हमने इन्हें गेहूं भेजा है, हमने इन्हें मेडिसिन भेजी है। इसमें बस एक ही एंगल दिख सकता है जो थोड़ा लॉजिकल और रीजनिंग है, वो ये है कि शायद तालिबान फ्रस्ट्रेटेड है कि इंडिया हमें रिकग्नाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि हम अगर कुछ भी सहायता दे रहे हैं तो हम ये कहकर दे रहे हैं कि हम अफगानिस्तान के लोगों को दे रहे हैं या फिर अफगानिस्तान की सरकार को दे रहे हैं। हमने कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि हम तालिबान को हेल्प कर रहे हैं या उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और इंडिया ने अभी भी उन्हें ऑफिशियली रिकग्नाइज नहीं किया है। तो इस मिलिट्री यूनिट का पानीपत नाम पड़ने के पीछे का सिर्फ यही एक लॉजिकल रीजनिंग या एक लॉजिकल रीजन हो सकता है। इस वीडियो के लिए तो इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। थैंक यू।